पाइनएप्पल और पनीर मशरूम फिश। मेल्ट हो गया यार। Hi guys. मैं आपको एम्बियंस दिखा देता हूँ यहाँ का, मुझे तो अच्छा लग रहा है बारबेक्यूएशन से। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग आए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर, लाग्रिटा। हाँ, या इट्स अ बारबेक्यूएशन सब्स्टिट्यूट पे है यहाँ पे बारबेक्यूएशन का। तो हम लोग जो है आज यहाँ पे फूड का आपको दिखाएंगे, ठीक है? तो लेट्स सी बेटा, ये देखो, वेलकम बोलो, वेलकम वेलकम। चलो लेट्स सी। हम यहाँ के पहले कस्टमर हैं, मतलब आज 12 बजे खुलता और हम लोग 12:10 में पहुँच चुके हैं। सो गाइस, यहाँ पे वो है आपका बूफे कॉर्नर और यहाँ पे अभी आपका स्टार्टर्स लगेगा, ठीक है? वेरी नाइस एम्बियंस, कोल्ड। ये कौन सा पानी है? ये है अपना चिकन मंचाओ। नाइस, नॉट टू स्पाइसी बट नाइस। यहाँ पे दो टाइप के सूप है, एक है क्रीम ऑफ मशरूम और एक है चिकन आपका हॉट एंड सोर चिकन। क्रीम ऑफ मशरूम आप देख सकते हो, इज नाइस एंड थिक। तो गाइस, मैंने तो क्रीम ऑफ मशरूम एक और बार मंगाया, बट उन्हीं लोगों को पसंद आएगा जिसको सूप में ना थोड़ा सा स्वीटनेस पसंद है, लाइट स्वीट रहता है, हल्का सा, बिल्कुल लाइट स्वीट रहता है मशरूम सूप में, तो इसलिए मैंने एक और मंगाया। और बाकी ये चटनियाँ आई हैं, चटनियाँ आपकी इमली की चटनी है, ग्रीन चिली है और नॉर्मल मायो है, और ये स्पाइसी मायो है, और ये हनी चिकन। अच्छा, हनी ग्लेज चिकन है, गरम गरम बिल्कुल। वाओ, वेरी नाइस, खा पाओगे आप ऐसे? तो भाई ये है हमारा तंदूरी चिकन, इसको आप देख लीजिए, वेरी नाइस। तो गाइस ये हो जाता है आपका तंदूरी चिकन, सीख कबाब, आलू टिक्की, हनी ग्लेज्ड चिकन, एंड ये है आपका चीज पोटैटो, हनी ग्लेज चिकन, वेरी नाइस, सॉफ्ट, यू सी, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा, वेरी नाइस। नाइस, ये आप देख रहे हैं, ये है माय फेवरेट चीज पोटैटोस, इट्स वेरी नाइस। आई होप दे सर्व द टेस्ट एज वेल। इट्स वेरी नाइस। इसलिए तो ये हो गया आपका पोटैटो, एंड दिस इज नॉर्मल पोटैटो, इसमें ऑयली है, बट टेक वन पीस सो दैट यू कैन एंजॉय फुल स्प्रेड।
Very nice. And this is seekh. Seekh kebab. थोड़ा सा मायो डिप करेंगे. आलू फिश. अब थोड़ा इसके बाद तो गाइस यहाँ पे रख दिया इन्होंने बारबेक्यू. मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है मलाई चिकन है, ये है अपना फिश, ग्रिल्ड फिश है और बासा फिश करके बोलते हैं एंड किंग फिश बोलते हैं. एंड देन ये जो है आपका स्वीट कॉर्न है और उसके नीचे आप देखोगे तो मलाई प्रॉन्स है और ये स्पाइसी प्रॉन्स है, हरियाली चिकन और ये आ गया आपका वेजिटेबल या पाइनएप्पल और पनीर मशरूम फिश में, ठीक है. और उसके बाद हम आपको एक एक चीज़ देखें, ये हम पहले ट्राई करेंगे. सबसे पहले मेरी फेवरेट वो है फिश, इसमें किंग फिश करके एक फिश है, अच्छा मस्त रहता है, अंदर काफ़ी फ्लफी रहता है. इफ यू सी दिस वेरी सॉफ्ट, यू सी, वाह वाह. मेल्ट हो गया यार, वाह गजब की फिश है, इट्स सो फ्रेश. मेरे को ना बारबेक्यू नेशन में फ्रेशनेस नहीं मिली, मेरे को बारबेक्यू नेशन में जो है फ्रेशनेस नहीं मिली, बट यहाँ पे इट्स वेरी फ्रेश. इट्स माउथ मेल्टिंग यार, मुंह में जा रहा है और मेल्ट हो जा रहा है, वेरी लवली. सेकेंड थिंग हम लोग प्योर वेजिटेरियन के लिए हम लोग ट्राई करेंगे हमारा पनीर, पनीर और एक टमाटर का फ्राई किया हुआ. मैं वेज का इतना शौकीन नहीं हूँ लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगा, मैं जैसे उसको मुंह पर डालूंगा ब्लास्ट ऑफ फ्लेवर्स, एक एक फ्लेवर्स आ रहे हैं, इट्स रियली यम्मी. मुझे पहले ये लगा था बैड डिसीजन हो सकता है कि बारबेक्यू नेशन छोड़ के मैं इधर आ रहा हूँ, बट थैंक्स टू गूगल जिसने रिव्यूज दिए और मीट इज़ फ्रेश, दिस इज़ माय मेन कंसर्न, मीट जो है फ्रेश है. मैं ऐसा नहीं बोलता कि बारबेक्यू नेशन खराब है लेकिन यहाँ का मीट फ्रेश है. अच्छा लेट्स ट्राई. ये है मलाई प्रॉन्स, प्रॉन्स का जो साइज है थोड़ा छोटा है लेकिन नाइस स्पाइसी प्रॉन्स. मशरूम लवली. Oh wow, this is malai chicken. और सच बोलो तो मेरे को लगा फिश है बट ये तो मलाई की तरह मुलायम है. Look at this, how it is falling. Oh. Chili. मलाई चिकन तो एक और खा के दिखाऊंगा मैं आपको. Wow. It's lovely. I am enjoying it. Hope. Hopefully you guys also enjoying it. आप इसी जगह में आओ ना तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेक अ सिप आफ्टर एवरी मील, टेक अ सिप, दिस एक्चुअली मेक योर कैपेसिटी मोर. इट्स अ मिंट लेमन. उसके बाद हम ट्राई करेंगे स्वीट कॉर्न. लुक एट दिस, इसका थोड़ा पास से कलर दिखाऊं जरा. It's a sweet corn and ये जो
प्लस इसमें एक सॉस है, थोड़ा चिली सॉस डाल रखा है। वेरी नाइस। Very nice. And one, my favorite. आप जब ये बारबेक्यू में आओ या नेशन में जाओ, कहीं भी जाओ, take pineapples. This also make improve your capacity. This also improve your capacity. ठीक है? चलो. Pineapple का एक अपना अलग मजा है. When it is grilled, मैं normally pineapple ऐसे खाता नहीं, but अगर उसको grill कर दिया जाए ना, और flavour आ जाता है उसमें। It's yummy. Love ये chicken rara. Beef burger. चॉकलेट केक और ये फिर नहीं मलाई फिर बादाम फिर नहीं गुलाब जामुन वेरी नाइस क्रैमल कस्टर्ड फ्रूट कस्टर्ड सैलेड्स चना मसाला पास्ता सैलेड ये क्या है हाँ ग्रीन सैलेड वाटर मेलन पिकल पाइनएप्पल पिकल मैंगो पिकल कैरेट पिकल कुकुम्बर पिकल बीटरूट नाइस नाइस आपने जैसे देख लिया इस प्लेट मैंने लिया है इस प्लेट में थोड़ा सा व्हाट यू कॉल दिस मटन बिरयानी जो कि मेरी बहुत फेवरेट है और भर के पीसेस हैं इसमें कोई कंजूसी नहीं रखी है इन्होंने और रायता देन वेज फ्राइड राइस और ये नॉर्मल वाइट राइस विथ दाल मखनी है यम वाह वाह मैंने लिया सब कुछ जैसा मैंने आपको बताया वीडियो में ऑलरेडी बता दिया क्या क्या है ठीक है तो मटन बिरयानी से ट्राई करते हैं मटन बिरयानी और थोड़ा सैलेड मटन काफ़ी अच्छा है पूरे चावल में मटन का जो टेस्ट है पूरे चावल में वेरी नाइस मैं संडे स्पेशली इसलिए आया क्योंकि संडे को यहाँ पे मटन बिरयानी रहती है मटन मेरा फेवरेट है दाल मखनी नाइस क्रीमी मलाई बहुत अच्छी है दाल मखनी में वेरी टेस्टी सो गाइस ये हमारा सेकंड प्लेट है और ये आपको दिख रहा है नान ये है बीफ पेपर फ्राई वाइट राइस और ये जो छोटा सा एक पीस है ये एक पनीर बटर मसाला है ये मैंने बहुत थोड़ा सा लिया ताकि आपको दिखा पाऊँ बस इतना ही खाऊँगा देन नेक्स्ट थिंग इज़
पास्ता एंड नूडल्स, और मेरा जो फेवरेट है वो है ये। इसको मैं बहुत ढूंढता हूँ बट मुझे केरला में कहीं मिलता नहीं है। वेरी नाइस दाल मखनी, वाओ व्हाट अ थिकनेस इट इज, एंड आई बिलीव कि ये बहुत ही यम्मी होगी। पास्ता आल्सो बहुत ही चीज़ी है, यमी है। सो गाइस मेरे से अगर आप पूछो तो आई प्रिफर द बार्बिक्यूनेशन से ज़्यादा यहाँ, थोड़ा सा नान एंड देन वी ट्राई आउट आर वाओ। पास्ता इज ओके, नॉट सो गुड बट ओके। नूडल्स ड्राई, बीफ पेपर फ्राई विद सम व्हाइट राइस, वेरी सॉफ्ट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे बादाम फिरनी से, सबसे यमी। What an ending. Wow. Shahi tukda. इतना सॉफ्ट नहीं है जितना होना चाहिए था, बट गुड। दिस इज बटर स्कॉच एंड वनीला, इसको उन्होंने रोल किया जैसे आपने वीडियो में देखा है, एंड दिस इज आवर एंडिंग वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना, अगर ताकि हम लोग और वीडियोस करें, नहीं तो फिर पुराना ही कंटिन्यू करेंगे। बाय बोलो, बाय बाय बाय।